पीएम मोदी ने चुनाव नतीजे पर दी पहली प्रक्रिया, कहा भारत के इतिहास में अभूतपूर्व पल है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर पहली प्रक्रिया देते हुए कहा है कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताया है। उन्होंने कहा है कि भारत के इतिहास में यह अभूतपूर्व पल है, देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। नितिन गडकरी ने लगातार तीसरी बार नागपुर से जीता लोकसभा चुनाव। केंद्रीय मंत्री और नागपुर से बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी ने लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीत लिया है। गडकरी ने अपने निकटतम प्रतिनिधित्व कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे को 1,37,000 वोटों से हरा दिया है। गौरतलब है कि नागपुर लोकसभा सीट से इस बार कुल 26 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिनमें से 11 निर्दलीय उम्मीदवार थे। यूपी की जनता ने कमाल कर दिया। यूपी के रुझानों में इंडिया को 80 में से 43 सीटें मिलने पर राहुल गांधी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के रुझानों में इंडिया ब्लॉक को यूपी की 80 में से 43 सीटें मिलने पर कहा है। यूपी की जनता ने कमाल कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल ने आगे कहा है कि यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीतिक समझ कर संविधान की रक्षा की है। रुझानों में एनडीए को 295 सीटें मिली है। रामायण में भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविंद ने मेरठ से 10,585 मतों से जीत दर्ज की। आप बता दें कि धारावाहिक रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले एक्टर्स और बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविंद ने मेरठ लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर ली है। चुनाव हलफनामे में 8.8 करोड़ की संपत्ति घोषित करने वाले गोविंद ने सपा की सुनीता वर्मा को 10,585 वोटों से हरा दिया है। दोस्तों 2014 और 2019 में मेरठ से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल जीते थे। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर सर्वाधिक 7 सीटों पर जीती कांग्रेस, आम आदमी को मिली 3 सीटें। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर सर्वाधिक 7 सीटों पर कांग्रेस जीत गई है, जिसमें गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर और पटियाला में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी की 3 सीटों पर जीत हासिल की गई है। होशियारपुर, आनंदपुर साहिब व संगरूर से आम आदमी पार्टी बठिंडा सीट पर शिरोमणि अकाली दल ने जीत दर्ज की है। खट्टू साहिब और फरीदकोट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। फर्जी एग्जिट पोल से बीजेपी ने पैसा सुरक्षित कर लिया है, सक्सेस गिरावट पर अजय राय। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी मतगणना के बीच निफ्टी और सक्सेस में आई गिरावट पर वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने कहा है कि यह जानबूझकर दिखाया गया है कि ऐसा एग्जिट पोल दिखाओ जिससे लगे हमारी सरकार बन रही है तो शेयर मार्केट बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि फर्जी एग्जिट पोल दिखाकर अपना पैसा सुरक्षित कर लिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप, जीती सभी 29 लोकसभा सीटें। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली है। यह पार्टी के प्रमुख उम्मीदवारों में विदिशा सीट पर शिवराज सिंह चौहान, गुना सीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंडला से फगन सिंह कुलस्ते, उज्जैन से अनिल फिरोजिया और भोपाल से आलोक शर्मा शामिल हैं। ओबीसी ने लगातार पांचवी बार हैदराबाद सीट पर जीत दर्ज की, बीजेपी की माधवी दत्ता को हराया। AIMIM प्रमुख ओबीसी ने बीजेपी की माधवी दत्ता को 3,00,000+ वोटों से हरा दिया है। पांचवी बार हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओबीसी ने जीत दर्ज की है। ओबीसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओबीसी ने 1984, 1989, 1991, 1996 और 1999 इस सीट से जीत दर्ज की थी। ओबीसी ने पहली बार 2004 में इस सीट से चुनाव जीता था। लोकसभा चुनाव की मतगणना के बीच शेयर मार्केट क्रैश होने पर निवेशकों ने गवाए 43,00,000 करोड़ रुपए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के बीच मंगलवार को मार्केट क्रैश होने से निवेशकों ने 43,00,000 करोड़ रुपए गवा दिए हैं। इंट्राडे कारोबार में सक्सेस के करीब 6,100 अंक टूटकर 70,234 पर लुढ़क गए हैं, जबकि निफ्टी 21,300 अंक पर आ गया है। रुझानों में एनडीए 295 और इंडिया 231 सीटों पर आगे है। अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए को 350 सीटें दी गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए 9 जून तक बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक केंद्रीय मंत्री मंडल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में ध्यान लगाया जा रहा है। 5 जून से 9 जून तक राष्ट्रपति भवन में आम लोगों का आवाजाही प्रतिबंध कर दिया गया है। रिपोर्ट के में दावा किया जा रहा है
कि बीजेपी 9 जून को शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजन कर सकती है।